मूवी का स्टार्ट एक किंगडम से होता है जहां ये बिलीव किया जाता है कि उस किंगडम से दूर एक माउंटेन में एक ट्रोल मॉन्स्टर सो रहा है जिसे माउंटेन किंग कहा जाता है। अब लेजेंड्स का कहना है कि अगर किंगडम की प्रिंसेस क्रिस्टिन की शादी उसके 18th बर्थडे पे ना हुई तो वो ट्रोल जाग जाएगा और प्रिंसेस को अपने साथ ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा और सारी जिंदगी उसे अपना स्लेव बना के रखेगा। क्रिस्टिन से शादी के लिए प्रिंस फ्रेडरिक को बुलाया जाता है पर क्रिस्टिन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, ना ही वो उससे शादी करना चाहती है, इसलिए घर छोड़ के भाग जाती है। वुड्स में क्रिस्टिन एस्पेन नामी एक पुअर फार्म बॉय से मिलती है जो उसे हेल्प करता है और फूड भी देता है। दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर भी क्रिस्टिन उसे अपने बारे में कुछ भी बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। एस्पेन अपना सारा खाना तो क्रिस्टिन को खिला चुका था, इसलिए उसकी फैमिली उस पे बहुत गुस्सा होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एस्पेन कोई काम भी सही से नहीं कर पाता और ज्यादातर अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उससे बहुत तंग है। अब कुछ खाने के लिए ना होने की वजह से एस्पेन के डैड उसके ब्रदर पाल और पर के साथ हंट पे चले जाते हैं जबकि एस्पेन को घर पे बैठने को कहते हैं। रात एस्पेन फायर जला के उसके आगे बैठा होता है तभी उसे वुड से कोई आवाज आती है और उसे लगता है कि वो ट्रोल है। एस्पेन वापस अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके स्वॉर्ड प्रैक्टिस शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी घर को आग लगा देता है। वहाँ क्रिस्टिन वुड्स में अकेली होती है तभी उस पे कोई अटैक करते उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो कौन है ये कोई नहीं जानता। नेक्स्ट डे जब एस्पेन की फैमिली खाने का इंतजाम करके घर पहुँचते हैं तो पूरे घर को एशेस में बदले हुए पाते हैं। इससे पहले कि वो एस्पेन पे गुस्सा करते वहाँ फ्रेडरिक क्रिस्टिन को तब पहुंच जाता है जो उन्हें बताता है कि किंग ने अनाउंस किया है कि जो भी उसकी डॉटर को ढूंढ के लाएगा किंग उससे क्रिस्टिन की शादी करवा देगा, साथ ही अपनी हाफ किंगडम उसके नाम कर देगा। इसी किंगडम की लालच में फ्रेडरिक क्रिस्टिन को ढूंढने निकला होता है। फ्रेडरिक उन सब से क्रिस्टिन के बारे में पूछता है। एस्पेन तो उससे मिला था फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताता है। प्राइज मनी का सुन के एस्पेन के फादर पाल और पर को अपने पास बचे हुए पैसे दे के प्रिंसेस को ढूंढने भेज देता है ताकि उनके पास कुछ पैसे आए और वो अपना न्यू घर बना सके। साथ ही वो एस्पेन से अपने सब रिश्ते तोड़ के उसे वहाँ से निकाल देता है। घर से निकाले जाने के बाद एस्पेन वुड्स में निकलता है और अपने भाइयों से जा मिलता है। उनके ना चाहने के बाद भी वो उनके साथ प्रिंसेस को ढूंढने निकल जाता है। रस्ते में एस्पेन रुक रुक के वहाँ गिरी टूटी फूटी चीजें उठाने लग जाता है इस उम्मीद के साथ कि शायद वो किसी वक्त उसके काम आ जाए, पर उसके भाई उसे पागल समझते डांटने लगते हैं। फिर एस्पेन को किसी की आवाज आती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, पर वहाँ जाने से मना कर देता है जिस पर एस्पेन अकेले ही हेल्प करने जाता है। वहाँ उसे एक विच की तरह की ओल्ड लेडी मिलती है जिसकी बड़ी सी नोज वुड में फंस चुकी थी। एस्पेन उसे फ्री करता है। वो विच एस्पेन को अपनी जान बचाने पर थैंक यू के तौर पे एक मैजिकल मैप देती है जिसकी मदद से एस्पेन उस तक जा सकता है जो ट्रोल मॉन्स्टर को मारने में काम आएगी। एस्पेन उस मैप को फॉलो करता आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ क्रिस्टिन का हेयर क्लिप मिलता है और उसके वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ ट्रोल के बड़े से पांव का निशान नजर आता है। यहाँ किंग और क्वीन क्रिस्टिन के लिए परेशान हो रहे होते हैं कि अब उनकी डॉटर सारी लाइफ एक ट्रोल की गुलामी करेगी। तभी उनका एक सोल्जर आके उन्हें ट्रोल का टीथ दिखाता है जिस पर उन्हें यकीन हो जाता है कि माउंटेन किंग जाग गया है। सीन्स क्रिस्टिन पे शिफ्ट होते हैं जो किसी केव में कुछ गोट्स के साथ नजर आती है पर उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। पाल और पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ एक बास्केट में कुछ गोल्डन एप्पल्स मिलते हैं जिन्हें देख उन दोनों से रहा नहीं जाता और वो सारे एप्पल्स ही खा जाते हैं। फिर वहाँ तीन बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स आ जाती है जो उन्हें और एप्पल्स का लालच दिए अपने साथ ले जाती है। तभी एस्पेन भी वहाँ पहुंच जाता है जो अपने ब्रदर्स को फॉलो करता एक केव तक जाता है और वहाँ वो भी वही गोल्डन एप्पल खा के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके ब्रदर्स उन ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ बैठे मजे का खाना एंजॉय कर रहे हैं। एस्पेन उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तभी एकदम एस्पेन को फ्रूट की जगह वहाँ अजीब कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। एस्पेन डर जाता है जिस पर वो लड़की उसे वापस गोल्डन एप्पल खाने को कहती है जिसे एस्पेन नहीं खाता और उस पर रिवील होता है कि
कि ये सब जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये विचेस हैं जिन्होंने एप्पल पे मैजिक करके इनसे इस जगह की असलियत छुपाई है। एस्पेन अपने ब्रदर्स को लिए विचेस से दूर जाता है और उन्हें भी होश में लाता है। फिर वो तीनों इन विचेस से बच के भागने लगते हैं और बिल्कुल केव का डोर बंद होने से पहले केव से बाहर निकल के बाल बाल बचते हैं। विचेस से अपनी जान छुड़वा के ये तीनों अब सोर ढूंढने आगे का सफर शुरू करते हैं। सीन्स वापस केव में क्रिस्टिन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ ट्रोल आके एक गोट को लेता है और उसका मीट वापस अपने बड़े से हाथ से केव में फेंकता है, जिसे क्रिस्टिन खाने का एक्ट करते ट्रोल को शो करती है कि वो उसे बहुत पसंद आया, ताकि ट्रोल उसे कुछ ना करे। यहाँ ये तीनों भाई कुछ खाने के लिए पास के टाउन के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ फ्रेडरिक भी होता है। वो इनकी बातें सुन लेता है और उसे मैजिकल मैप और सोर्ड का पता चल जाता है। फ्रेडरिक इनके पास आके इन्हें ऑफर करता है कि वो मैप इसे दे दे, उसके बदले वो इन्हें बहुत से गोल्ड कॉइन्स देता है। पर तो फौरन मान जाता है और एस्पेन को मैप देने को कहता है, पर एस्पेन अपने अच्छे दिल की वजह से ऐसा कर नहीं पाता और उसे प्रिंसेस की फिक्र होने लगती है, क्योंकि ये तो वो समझ चुका होता है कि फ्रेडरिक को क्रिस्टिन से नहीं बल्कि पैसे और पावर से मतलब है। इसलिए एस्पेन फ्रेडरिक के साथ जंग का ऐलान कर देता है और बेचारे उसके भाइयों को भी अपनी जान बचाने के लिए उसका साथ देना पड़ता है। अब एक तरफ तीन सिंपल फार्म बॉयज और दूसरी तरफ सॉर्ड फाइटर्स, एक बहुत ही मजे की फाइट होती है। पर चाहे हीरो को कुछ भी ना आता हो, पर वो हीरो है इसलिए कुछ भी हो जाए वही जीतेगा। यहाँ भी ऐसा ही होता है और एस्पेन फ्रेडरिक को हरा के अपने भाइयों को लिए रेस्टोरेंट से निकल जाता है। पर फ्रेडरिक ने इनकी जान ना छोड़ने की कसम खा रखी थी, वो फिर से अपने आदमियों के साथ इनके पीछे आ जाता है, जिससे बचने के लिए और कोई रास्ता ना नजर आने पर एस्पेन अपने ब्रदर्स को लिए क्लिफ से नीचे पानी में छलांग लगा देता है। पानी से निकलकर पर एस्पेन पे बहुत गुस्सा होता है। वो लोग आसानी से मैप दे के पैसे ले सकते थे और अपनी लाइफ वापस नॉर्मल कर सकते थे, पर एस्पेन ने तो उनकी जिंदगी को मुश्किल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना होता। अब फिर से उनके पास प्रिंसेस को ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जिस पर फर खुद मैप ले लेता है और ये तीनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एस्पेन फिर से वहाँ गिरी चीजें उठाना शुरू हो जाता है, जिसमें एक बेयर की स्किन भी थी। सीन्स क्रिस्टिन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ ट्रोल अपना बड़ा सा हाथ केव के अंदर लेके आता है तो क्रिस्टिन डरे बगैर उसके हाथ पे स्टोन से अटैक करती है और फिर केव से बाहर भागती है। पर अब वो इतने बड़े ट्रोल से तो बच नहीं सकती थी। बाहर निकलते ही ट्रोल उसे टांग से पकड़ लेता है। वो इतना बड़ा जॉइंट ट्रोल मॉन्स्टर और ये छोटी सी लड़की, क्रिस्टिन को हार माननी ही पड़ती है। वो ट्रोल से कहती है कि वो जानती है ट्रोल उससे शादी करना चाहता है, पर वेडिंग ड्रेस के बगैर शादी नहीं हो सकती। ये सुन के ट्रोल उसे वापस केव में छोड़ के वेडिंग ड्रेस का इंतजाम करने निकल जाता है। मैप को फॉलो करते ये तीनों भाई सॉर्ड लेने पहुंच जाते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा स्मोक होने की वजह से अलग हो जाते हैं। फर और पाल को वापस से फ्रेडरिक और उसके आदमी पकड़ लेते हैं, जबकि एस्पेन सॉर्ड तक पहुंच जाता है जो पानी के बीचों बीच थी। एस्पेन उसे पानी में जाके पकड़ तो लेता है, पर तभी उस पर एक सी मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे डर के एस्पेन के हाथ से सॉर्ड गिर जाती है और हमें लगता है कि अब एस्पेन नहीं बचेगा। पर एस्पेन फिर से ये दिखाते हुए कि हीरो को कभी भी कुछ नहीं हो सकता, सॉर्ड लिए पानी से बाहर आ जाता है। जब वो देखता है कि उसके भाई फ्रेडरिक के कब्जे में है, वो बियर स्किन पहने फ्रेडरिक और उसके लोगों को डराने की नाकाम कोशिश करता है और उल्टा खुद भी फंस जाता है। अब फ्रेडरिक के हाथ सॉर्ड भी लग जाती है, उसे तो कुछ मेहनत किए बगैर ही सब मिलता जा रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपना आगे का सफर इन तीन भाइयों को साथ लिए करेगा। रात इन तीनों को टाइप किए फ्रेडरिक और उसके आदमी खाना खा रहे होते हैं, साथ प्लान करते हैं कि वो माउंटेन पे सुबह को जाएंगे, क्योंकि ट्रोल रात में हंट करता है और सुबह सो जाता है। तभी इन्हें अचानक ट्रोल के आने की आवाजें आती है। फ्रेडरिक और उसके आदमी डर के अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। एस्पेन और उसके भाई बेचारे वही ट्री के साथ टाइप होते हैं। एस्पेन उन्हें उसे एक स्टोन देने को कहता है। स्टोन मिलने पर वो रोप को उससे कट करता है और ट्रोल के बिल्कुल पास आने से पहले वो तीनों रोप खोलते बच के भाग जाते हैं। फ्रेडरिक खुद तो भाग जाता है, पर उसके आदमियों को ट्रोल मार देता है।
है। स्पेन अपने भाइयों के साथ एक केव में छुप जाता है, जहां वो देखते हैं कि पाल अपने साथ मीट भी उठा लाया है, जिसे स्मेल करते ट्रोल इन तक आ सकता था। इसलिए फर उसे बाहर दूर जाके फेंकने की ट्राई करता है, पर वो वापस इनकी केव के बाहर आके गिर जाता है। फ्रेडरिक एक ट्री पे चढ़ के अपनी जान बचाने की ट्राई करता है। वहाँ उसका लास्ट बचा आदमी भी आता है, पर फ्रेडरिक इतना बेहिस होता है कि उसे भी नीचे फेंक देता है। उसके बावजूद भी ट्रोल से बच नहीं पाता, क्योंकि कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। यहाँ ट्रोल पाल को भी उठा के अपने साथ ले जाता है। इस सब का खुद को कसूरवार समझते एस्मैन रोने लगता है। तभी एक चमत्कार होता है और बजाय फर उसे डांटे, उसे हौसला देता है। फर कहता है कि उसे एस्मैन को समझने में गलती हुई है। एस्मैन स्पेशल है और वो सब कर सकता है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उसने मैजिकल मैप ढूंढा, उन्हें विचेस और प्रिंस से बचाया। ये उसकी वर्ल्ड है, फर उसके साथ है और अब उन दोनों को जाके पाल को बचाना है। एस्मैन जैसा जैसा बोलेगा फर उसे फॉलो करेगा। इस सब से एस्मैन को बहुत हिम्मत मिलती है। ट्रोल फ्रेडरिक और पाल को भी क्रिस्टिन के साथ केव में डाल देता है। वहाँ फ्रेडरिक क्रिस्टिन को देख एक्टिंग करने लगता है कि उसे क्रिस्टिन की इतनी फिकर है और वो उसे ढूंढते यहाँ तक आया है। पर पाल उसकी असल शक्ल क्रिस्टिन के आगे रख देता है। साथ ही जब क्रिस्टिन को पता चलता है कि पाल एस्पेन का भाई है, तो उसके अंदर एक अजीब सी उम्मीद जागती है कि एस्पेन उसे ढूंढने जरूर आएगा। दूसरी तरफ एस्पेन और फर स्वॉर्ड लिए अपनी तैयारी पूरी करते हुए पाल और क्रिस्टिन को बचाने निकल जाते हैं। ट्रोल की केव में पहुंचकर फर एस्पेन को फॉलो करते आगे बढ़ता है, जहां वापसी का रास्ता भूलने के डर से एस्पेन वहां रोप से हिंट्स बना लेता है। तभी आगे बढ़ के वो एक केव में गिरते गिरते बचता है। ये वही केव है जहां ट्रोल ने सबको रखा हुआ था। फर पाल को बचाता है और फिर वो दोनों मिलके बाकी सबको ऊपर खींचते हैं। आगे बढ़ने पर वो सब ट्रोल को बिल्कुल बाहर निकलने के रास्ते के पास सोया पाते हैं और उसकी टेल गेट के पास हिल रही होती है। क्रिस्टिन हिम्मत करते टेल से जंप करती दूसरी साइड जाती है और फिर उसके पीछे सब एक एक करते वहाँ जाते हैं। लेकिन फ्रेडरिक ने तो इनके लिए मसले बढ़ाने का ठान रखा है। वो जंप करता ट्रोल की टेल पे गिर जाता है और ट्रोल को जगा देता है। अब ये सब ट्रोल से बचते केव से बाहर आते हैं, पर क्लिफ की एज होने की वजह से फंस जाते हैं। ये देख क्रिस्टिन सबको माउंटेन के टॉप पे चलने को कहती है, क्योंकि सन निकलने वाला था और ट्रोल सन लाइट पड़ने पर स्टोन के बन जाते हैं। फ्रेडरिक हमेशा की तरह फिर सबसे एंड पे होता है और आखिर में एक जगह स्टोन के पीछे छुप जाता है। क्रिस्टिन, एस्पेन और उसके भाई माउंटेन की टॉप पे तो पहुंच जाते हैं, पर पीछे पीछे ट्रोल भी वहां आ जाता है। ये देख कोई रास्ता ना बचने पर एस्पेन ही स्वॉर्ड निकालता है और ट्रोल से फाइट के लिए आगे बढ़ता है। एस्पेन ट्रोल की टांग पे स्वॉर्ड से जख्म करता है, जिस पर ट्रोल गुस्से में आया एस्पेन को दूर फेंकता है और स्वॉर्ड माउंटेन से नीचे जा गिरती है। अपने भाई को बचाने के लिए फर ट्रोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो बेचारा भी ट्रोल के एक अटैक से दूर जाके गिरने पर बेहोश हो जाता है। अब ट्रोल पाल और क्रिस्टिन की तरफ बढ़ता है। तभी एस्पेन को सनलाइट आती नजर आती है और वो अपने बैग से मिरर निकाल के सनलाइट का रिफ्लेक्शन ट्रोल की तरफ करने की ट्राई करता है और बिल्कुल ट्रोल के क्रिस्टिन पे अटैक से पहले उस पे सनलाइट पड़ जाती है, जिस पर देखते ही देखते ट्रोल एक स्टोन में बदल जाता है। फर को भी होश आ जाता है। क्रिस्टिन ट्रोल को पंच करती है और उसका स्टैचू छोटे छोटे स्टोन में बदल के खत्म हो जाता है। सीन्स फ्रेडरिक पे शिफ्ट होते हैं, जो माउंटेन से उतर के विच से पैलेस का रास्ता पूछता नजर आता है। एस्पेन और उसके भाई सही सलामत प्रिंसेस को उसके पेरेंट्स के पास ले जाते हैं, जहां एस्पेन गिफ्ट के तौर पे क्रिस्टिन का हाथ और हाफ किंगडम की जगह बस कुछ पैसे मांगता है, जिससे वो वापस अपना घर और फार्म बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट सीन्स में एस्पेन और उसके भाई प्राइज मनी लिए वापस अपने डैड के पास जाते हैं। एस्पेन के डैड भी उसे माफ कर देते हैं और ये सब वापस से एक हैप्पी फैमिली की तरह अपना घर बनाते नजर आते हैं। तभी वहाँ क्रिस्टिन आ जाती है, जो एस्पेन को अपने साथ हॉर्स पे बिठाए राइड पे ले जाती है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम फ्रेडरिक को देखते हैं, जिसे वो ही विचेस गोल्डन एप्पल खिलाए अपने काबू में किए केव की तरफ ले जाती है।